मेरी किस्मत को नई राह दिखाने वाले, मेरी किस्मत में मोहब्बत का सफर है के नहीं, मेरे ये अमेरिका जाकर पढ़ना जरूरी है क्या? औरों के लिए तो पता नहीं, लेकिन शायद तौफीक के लिए ये बहुत जरूरी है। उमा, मेरा घर से दूर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मैं आप लोग के बगैर अकेला रह ही नहीं सकता। जाना तो जरूरी है, दिस नो ऑप्शन। एडमिशन प्रोसेस हो गया है, इसलिए तो हम तुम्हें पहले टर्की भेज रहे हैं ताकि तुम आदी हो जाओ अकेले रहने की। और वहाँ कोई टेंशन नहीं है, मारिया है। दिस इज नॉट फेयर मामा, पापा हर मामले में अपनी चलाते हैं। खुद ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं ए लेवल्स के बाद अमेरिका जाऊंगा पढ़ने के लिए। मुझसे मेरी मर्जी भी नहीं पूछी, बस फैसला सुना दिया। तौफीक के सारे फैसले तुम्हारी बेहतरी के लिए होते हैं। लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम, बैठो। आज अब लेट आए तौफीक। हाँ, वो अब्बास ग्रुप वालों के साथ मीटिंग थी। मेरे जहन से निकल गया। तुम जल्दी आ गई आज। मैं चाह रहा था कि तुम भी मीटिंग में होती। आई नो, लेकिन मैं सायर की वजह से जल्दी आ गई। सोचा इसके लास्ट फ्यू डेज इन पाकिस्तान है, मैक्सिमम टाइम इसके साथ गुजारूं। बिजनेस मीटिंग्स तो चलती रहेंगी। तुमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी? कल से शुरू करूंगा पापा। ये कल क्या होता है? लाइफ में कोई कल नहीं होता। जिन लोगों ने कुछ करना होता है वो आज को इम्पोर्टेंट समझते हैं और आज ही शुरू करते हैं। जी पापा। तुम्हारे जाने में अब कम दिन रह गए। कोई शॉपिंग वगैरह करनी है, किसी से मिलना है तो जल्दी जल्दी मिल लो। महीना कहाँ गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैं कर लूँगा पापा। मेरा ख्याल है मुझे ये बात दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मुझे तुम्हारा कैसा रिजल्ट चाहिए। कितने लोग हैं जो MIT, हार्वर्ड या कोलंबिया में पढ़ने के ख्वाब देखते हैं, मगर सिर्फ चंद खुशनसीब लोग इस ख्वाब को पूरा कर पाते हैं। जी पापा। इसलिए बजाय मामा के पास बैठकर ये कहते रहने के कि मैं अकेला कैसे रहूंगा और मुझे घर याद आएगा, अपने फ्यूचर की प्लानिंग शुरू करो। तुम तौफीक कमाल के बेटे हो, तुम्हें एक कामयाब इंसान बनना है। तौफीक कमाल को आप कीमती यादें कह रही हैं? वो इंसान जिसने आपको दुखों और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं दिया, कैसे याद कर सकती हैं आप उसे? तुम नहीं समझ सकोगी। क्या नहीं समझूंगी अम्मी? मेरा अमीर तरीन बाप जो कराची में शान से जिंदगी जी रहा है, जिसने कभी बीवी और बेटी की खबर भी नहीं ली, ये नहीं समझूंगी? बेटा, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा सगा बाप। तौफीक कमाल मेरे लिए एक नाम है जो मजबूरन मैं अपने सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड पे लिखती हूँ। ना नफरत है मुझे इस नाम से, मजबूरन लिखती हूँ मैं इसे। अगर वो मेरे शौहर है, तुम्हारे बाप है, मेरे लिए वो बहुत अहम है। क्या हो गया आपको अम्मी? मैंने पहले तो कभी आपको इस तरह उन्हें याद करते हुए नहीं देखा, ना ही ये एल्बम देखते हुए देखा। कुछ हफ्तों से आप क्यों उन्हें इतना याद कर रही हैं? मैं तो हमेशा से देखती थी, मगर तुमसे चुप कर। मगर आज जी चाह रहा है कि ये तस्वीरें देखती रहूं। मैं अब तुमसे कुछ नहीं छुपा सकती। अहमद, मैं आज भी तौफीक को बहुत याद करती हूँ। अहमद, वो तुम्हारे बाप है, तुम उनसे इतनी बदगुमान क्यों रहती हो?
वो बहुत अच्छे इंसान है। तभी उन्होंने आपको अकेले छोड़ दिया, ये भी नहीं सोचा कि मेरी परवरिश आप अकेली कैसे करेंगी। अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छे इंसान। हेमन, हेमन देखो, देखो हेमन, ये देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ इस शानदार शख्स के लायक है? तौफीक तो आसमान है और मैं जमीन पर पड़ा हुआ एक मामूली सा जर्रा, ना ही तो उनकी तरह खूबसूरत हूं और ना ही पढ़ी लिखी, एक अनपढ़ जाहिल मामूली शक्ल सूरत की ओर। खाला जान की दबाव में आकर उन्होंने शादी तो कर ली, मगर 8 जमातें पास, खाला जात से उन्हें क्या दिलचस्पी होगी? तौफीक को हमेशा खूबसूरती और जहानत मुतासिर करती थी, इसीलिए वो चाहते थे कि उनके गिर्द मौजूद हर चीज बेमिसाल हो, अपने मियार से कमतर चीज पर वो कभी समझौता नहीं करते थे। अब इसको तुम उनकी अच्छाई समझो या खामी? मैं इस लॉजिक को नहीं मानती अम्मी। अगर उनको आपसे शादी नहीं करनी थी तो दादी को पहले ही मना कर देते। शायद इसमें सारा कसूर उनका नहीं था। तभी दादी का इंतकाल होते उन्होंने नई दुनिया बसा ली, आपको और मुझको दुनिया के रहमो करम पे छोड़कर कराची चले गए। मुझे तो आप पर हैरत होती है अम्मी, जिस इंसान से आपको मुझसे ज्यादा नफरत होनी चाहिए थी, एक लफ्ज मैंने कभी बुरा नहीं सुना आपके मुंह से उसके बारे में। तौफीक कमाल के लिए मेरे दिल में नफरत के अलावा कुछ नहीं है। मिसेस तौफीक आ जाएं। बेटा ये आप पढ़ो, ये क्या कर रहे हो? देखो ये क्या लिखा है, आर रेड ग्रीन ब्लू। अरे जरे देखना जरा, मुझे लगता है आपा आ गई हैं। शाबाश, ब्लू, पिंक। अरे हेमन इतनी देर लग गई, मुझे तो बहुत फिक्र होने लगी थी। आए आपा। भाभी डॉक्टर के पास रश बहुत था, हमारी बारी आते आते बहुत देर हो गई, और फिर कुछ टेस्ट थे जो उन्होंने वापस कराने को कहा था वो भी करा लिया साथ साथ। मुझे कह दिया होता आपा, मैं आपको अस्पताल ले चलता। कोई मुश्किल नहीं भी आ रहे, हम दोनों माँ बेटी आराम से चले गए। मम्मी आराम से नीचे देखी, बहुत तकलीफ देती हूँ। आपा इसमें तकलीफ की क्या बात है, अपने ही तपनों के काम आते हैं। पर आप, हम तो यही चाहते हैं कि आप जल्दी से अच्छी हो जाए और पहले की तरह हमें चलती फिरती नजर आने लगे। पता नहीं कब ठीक हूँ, सारा बोझ मेरी बच्ची पर पड़ गया। बस इतनी हिम्मत दे अल्लाह मियां कि मैं फैक्ट्री जा सकूं। बस संभल कर आपा। बस अब ना तो आप फैक्ट्री में काम करेंगे और ना ही कपड़े सिलेंगे। बहुत काम कर लिया आपने।
देखे काम कर करके क्या हालत कर दी आपने अपनी। अच्छा ठीक है बेटा, थोड़ा पानी ला दो। जी एमन ठीक कह रही है आपा, आप सारी फिक्रें दिल से निकाल दें। फिक्रें ही फिक्रें, मैं तो तुमसे और आरिफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। 2 महीने से किराया नहीं दिया तुम्हारा, एमन के स्कूल की तनख्वाह भी कितनी, और वो भी सारे मेरे इलाज में लग जाते हैं। आप ठीक हो जाएंगी आपा तो किराया भी आ जाएगा, और खुदा गवाह है मैंने और आरिफ ने कभी आपको किरायेदार नहीं समझा, हम आपको बड़ी बहनों की तरह समझते हैं। हमारा 1-2 दिन का नहीं 12 वर्षों का साथ है। शुक्रिया बेटा। समझ नहीं आ रहा कि अम्मी का अच्छे से अच्छे इलाज कहाँ से कराऊं। डॉक्टर ने आज जो टेस्ट करवाने को कहे थे उसके लिए पैसे ही नहीं थे मेरे पास। परेशानी की बात तो है अमन, मगर एक विजिट के 1500 रुपए लेते हैं भाभी, और कितनी देर देखते हैं, 3 से 4 मिनट। गरीब इंसान का तो गुजारा ही नहीं है। भाभी मैं सोच रही हूँ जो गोल्ड की चीजें हमारे पास रखी हुई वही बेच डालो। नहीं अमन, आपा ने वो जेवर तुम्हारी शादी के लिए संभाल कर रखे हैं, वो कभी नहीं मानेंगी। मैं जानती हूँ भाभी, मगर इस वक्त अम्मी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। प्लीज भाभी मेरी मदद कीजिए, हम छुपके से चल के जेवर बेच डालते हैं, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ना जाने कब बुलावा आ जाए। 19 सालों से आपकी अमानत संभाली बैठी, आपकी बेटी उम्मे अहमद। क्या हुआ जो आपने मुझसे मोहब्बत नहीं की? मेरे जिंदा रहने के लिए इतना ही काफी है? क्या आप मेरी बेटी के बाप हैं और मेरे शौहर? मैं तुम्हें आपने आपने शादी कर ली, बहुत अच्छा किया। मैं आपकी मियाँ के मुताबिक नहीं थी, आपने मुझे ठुकरा के बहुत अच्छा किया काफी, मगर काफी ये रिश्ता ना जोड़े, अपना नाम उसे जुड़ा रहने दे तोफी। जज्बाती बातें मत करो ज़ैनब, मेरे लिए अभी जबरदस्ती की शादी निभाना मुश्किल है, मैं तुम्हें तलाक देना नहीं। नहीं, नहीं। अल्लाह का वास्ता तो अल्लाह का वास्ता, ऐसी बातें मत करे, अपना नाम मेरे नाम से अलग मत करे तो अभी मैं नहीं, अपनी अपनी औलाद का ख्याल करे, अपनी औलाद तो अभी मैं नहीं होना पसंद, लेकिन इसकी खातिर जिंदगी में शामिल है।
हाय। बाय। क्या हो गया यार? यार जब मैं हुआ करूं इस किस्म की हरकतें ना किया। मैं तुम्हारी तरह ड्राई इंसान नहीं हूँ और मैं तुम्हारी उम्र तक भी पहुंचूंगा ना तो मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। ठीक है भाभी को बताता हूँ इस बारे में। यार तुम तो मजाक भी नहीं समझते यार। अरे ये क्या हो गया? अब मजाक तुम सीरियस हो जाते हो? तुम्हारा यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पता है। अच्छा मैं जूस मांग रहा हूँ पीना है। जितनी टफ एक्सरसाइज तुमने मुझे करवाई है ना उसके बाद तुम दो जूस प्लीज दो। तुम जर्मनी कब जा रहे हो? तो भाई परसों। मैंने एक मीटिंग बिलबोर्ड्स इनकॉर्पोरेशन के साथ भी लाइन अप की है। जी जी उनसे भी मिल लेना प्लीज। जी कोई भी डिटेल बात होगी तो कर लेंगे बाद में उनके साथ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बैठे रहो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और मुझे बताओ आप कैसे हो? मेरी बीबी कैसी है? बीबी बिल्कुल ठीक है मगर आप कहाँ हैं? आप तो ऑफिस में भी नजर नहीं आ रही हैं। आपका कुछ पता ही नहीं? अलमास आजकल साहिल की बेबी सिटिंग कर रही। पता नहीं हमारा बेटा कब बड़ा होगा। सब 18 साल की उम्र के बच्चे ऐसे होते हैं तौफीक। वैसे हाउ इज ही डूइंग? तैयारी कैसी जा रही है उसकी? इट्स कमिंग अलोंग फाइन। आजकल माँ को नखरे दिखाने में मसरूफ है। एक्चुअली भी उम्र छोटी है ना इसलिए अकेला रहने से घबरा रहा है और अभी तो सिर्फ प्रेप स्कूल जा रहा है टर्की। सोचो जब 4 साल के लिए बॉस्टन जाएगा तो क्या होगा। अभी आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें टर्की में तो मारिया भी है और मजेदार बात यह है कि उसका कैंपस उसके घर से बहुत ही करीब है। जब भी उसका दिल घबराएगा वहां चला आएगा। मारिया वहां है इसलिए मुझे तसल्ली है। आज 19 सालों बाद आपसे मुखातिब। मैं आपके पास आपकी हिफाजत में होगी तो सुकून से मर सकूंगी। मेरे बाप अपने अब्बा के पास चले जाओ। क्या हो गया आपको अम्मी? क्यों तौफीक कमाल का नाम बार बार लिए जा रही हो? क्या ताल्लुक है हमारा उनसे?
आ गए तुम लोग? जी आपा आ गए। क्या कहा डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देकर? डॉक्टर बहुत पुरउम्मीद हैं। आप अगर इलाज में गफलत और लापरवाही ना बरतें ना तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप ठीक हो जाएंगी अम्मा, और आपको ठीक होना पड़ेगा मेरी खातिर। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप बिस्तर पे पड़ी रहती हैं। अब बातें करती रहोगी या आरिफ भाई के लिए चाय बना कर लाओगी? अरे आपा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, वैसे भी चाय का वक्त है। जाओ मेरी बच्ची, चाय बना कर लाओ। आरिफ जी आपा, मेरा एक काम कर दोगे? जी आपा बोले। ये खत किसी अच्छे कोरियर सर्विस से ना कराची भिजवा दो। तौफीक कमाल? हाँ, बस तुम इसे किसी अच्छे कोरियर सर्विस से भिजवा दो। और देखो, एमन को ना पता चले, बहुत नाराज होगी। लेकिन आपा, आप इन्हें क्यों बुलवा रही हैं? मेरे पास झूठी तसल्लियों का वक्त नहीं। बस तुम मेरा ये काम कर दो, ये खत तौफीक तक पहुंचा दो। ठीक है आपा, मैं खत आज ही कोरियर कर देता हूं। लेकिन आपा, जिस शख्स ने सारी जिंदगी आपको और एमन को अपने से दूर रखा, क्या अब वो एमन को लेने के लिए आएगा? हाँ, मुझे यकीन है वो बहुत उसूलों वाला इंसान है, वो मेरी बेटी को जरूर लेने आएगा। अम्मी देखें, मैंने आपके लिए बहुत मजे की यखनी बनाई है, अब आप पिए और मुझे बताएं कि कितने मजे की। मेरी बेटी ने बनाई तो अच्छी ही होगी। बहुत गर्म है, आराम से। बेटा तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? शायद अगले महीने। हेमन, तुम रोई थी क्या? माँ से कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी बच्ची, जब भी तुम्हें रोना है ना तो मुझसे लिपट कर रो लिया कर। मेरे मरने के बाद कौन तुम्हारे आंसू पोछेगा? ऐसी बातें क्यों कर रही है अम्मी? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर साहब का इलाज कराऊंगी, ठीक हो जाएंगी आप। मेरी बच्ची, मेरे बाद तुम्हें तन्हा इस दुनिया में बहुत हिम्मत से रहना है। एक बात बोलूं तुमसे? मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं अम्मी, बस से मायूसी वाली बातें मत किया कर। मेरी बच्ची, तुम ना मेरी बात अपने अब्बा के पास चले जाओ। क्या हो गया आपको अम्मी? क्यों तौफीक कमाल का नाम बार बार लिए जा रही? क्या ताल्लुक है हमारा उनसे? इसलिए मेरी बच्ची कि मौत मुझे मेरे सामने नजर आ रही, कैसे रहोगी मेरे बगैर तुम तना? मेरे बच्चे, तौफीक को तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें तो उसकी जरूरत है ना। वो तुम्हें तहफ्फुज़ देंगे, छत देंगे, इज्जत देंगे, तुम वहां महफूज रहोगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं अम्मी, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। अगर आपको कुछ होगी, अल्लाह ना करे, तो मैं भी मर जाऊंगी अम्मी, खत्म कर लूंगी मैं अपने आप को। ऐसे नहीं बोल, ना बाप नहीं मानती,
और मुझे ऐसे नाम निहाद बाप की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे बस बोला कि चाहिए। हेमन, 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 बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अभी अम्मी को क्या हो गया? एक तो मैं वैसे उनकी तबीयत की वजह से परेशान हूँ, ऊपर से वो आए दिन तौफीक कमाल के बारे में बात करती रहती है। पापा ने तुम्हारे वालिद को खत लिखकर यहाँ पर बुलवाया है, और अब मैं जब भी उनके पास जाती हूँ तो मुझसे यही पूछती हैं कि किसी का फोन तो नहीं आया, कोई अनजान आदमी पूछता हुआ उनका गेट तक तो नहीं आया। कल तो वो मुझे तौफीक साहब की तस्वीरें भी दिखा रही थी कि कहीं मैं उन्हें अनजान आदमी समझ कर दरवाजे से ना लौटा दूं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो मुंह धो लो। अम्मी क्या कर रही है? अम्मी उठे, भाभी, अम्मी, अम्मी, भाभी, भाभी, भाभी। मज़े मज़े, सुबह हो गई है, ऑफिस नहीं जाना? तुम सारी रात यहां सोते रहे तकलीफ में। तुम्हें मेरी तकलीफ से फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है मज़हर। तुम शायद भूल रहे हो, लेकिन मुझे आज भी याद है हम दोनों ने एक दूसरे से कितनी मोहब्बत की थी। कितनी सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद हम एक हुए। प्लीज इतनी कड़वी बातें ना किया करो, जिनसे तुम्हें भी दुख पहुंचता है और मुझे भी तकलीफ होती है। तुम्हें अपने दोनों छोटे भाइयों के लिए बिजनेस शुरू करवाना था ना? हाँ, लेकिन सजीरा मेरे पास अभी पैसे नहीं है। पैसों की फिक्र मत करो, पापा ने जो अपार्टमेंट मेरे नाम किया था ना, उसको बेच देते हैं और वो पैसे में पाकिस्तान भेजवा देते हैं। नहीं सजीरा, तुम्हारी बहन को बुरा लगेगा। वो मेरा अपार्टमेंट है मसर, वैसे भी पापा ने प्रॉपर्टी दोनों बहनों में इक्वली डिवाइड की थी। मैं जो चाहे करूं। लेकिन सजीला, लास्ट ईयर तुमने मेरी बहनों की शादियों पे इतना कुछ किया था और अब फिर से ये। कोई फर्क नहीं पड़ता मज़े, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सजीला, पता नहीं कभी कभार मुझे क्या हो जाता है। आई एम सॉरी, रात को मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना। कल की बात छोड़, नया दिन है, नए दिन की बात कर। नई बात यह है कि आज तुम्हारे लिए नाश्ता मैं खुद बनाऊंगा। बस तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे लिए एक शानदार नाश्ता तैयार होगा। ओके।
पता नहीं कौन है, कहीं तौफीक तो नहीं आ गई। जरी जरी दरवाजे पर कौन है? अम्मी क्या हो गया? अम्मी अम्मी क्या हो गया? अम्मी क्या हुआ? दरवाजे दरवाजे पर थी अम्मी, चाबी ले जाना भूल गई थी। मैं समझी, शायद पानी तो बेटो आप ठीक हो जाएंगी अम्मी, कुछ नहीं होगा। मुझसे एक वादा करो। ऐसी बातें क्यों कर रही है अम्मी? मेरे बाद तुम कराची चली जाओगी, तौफीक के पास। मी वादा करो, मुझे सुकून से मौत आएगी, मेरी ममता का वास्ता। मैं आपसे वादा करती हूँ अम्मी। Oh, my God.
अम्मी अम्मी डॉक्टर साहब मैं तौफीक कमाल बात कर रहा हूँ, ज़ैनब से मेरी बात करवाएं। ज़ैनब पापा के इंतकाल को तो 5 रोज गुजर गए। आप चाहते हैं तो हम अपना ट्रिप पोस्टपोन कर लेते हैं। नहीं मुमकिन नहीं है। फिर क्या अहमियत है इस घर में इन सब गैरों के सामने, जब मेरे बाप के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं, कोई इज्जत नहीं।